तो भाई साहब, इस साल की जाइगेंटिक ब्लॉकबस्टर जो हो सकती है, बड़ी मियां छोटी मियां, आज उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी हाइप बिल्कुल भी नहीं बन रही है और मेकर्स वो हर एक अथक प्रयास कर रहे हैं जिससे इस मूवी की हाइप बने और लोग इसके लिए वेट करें और उन पे ट्रस्ट करें कि भाई ये जो लेके आने वाले हैं वो वाकई रीजनेबल, प्राइसफुल एंड वर्दी है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अपना टाइटल ट्रैक रिलीज करा है और भाई साहब माल कड़क नहीं है, जनता को वो हिट नहीं करके गया, लेकिन फिर भी मेकर्स यहाँ तक पहुंच गए कि भाई साहब उस गाने को यानी उस टाइटल ट्रैक को लोगों तक एड्स के थ्रू भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेकर्स काफी प्रयास भी कर रहे हैं। तो अभी बात करेंगे कि भाई साहब इस मूवी की हाइप आखिर क्यों नहीं बन रही है और अगर बनेगी भी किस ट्रस्ट बेस पर बनेगी, इससे जुड़ी और भी बातें। तो उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। बड़े मियां छोटे मियां ये रिलीज होने वाली है 9 अप्रैल को, यानी ईद पर ईदी देने आ रहे हैं अपने अतरंगी अलग मिजाज में इस बार अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन कॉमेडी थ्रिलर के अलग अंदाज में। वैसे मेकर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मूवी की हाइप बने, मेकर्स न्यू स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, लाइक जो शूटिंग के दौरान बेस्ट मोमेंट्स होते हैं या फिर एक्शन जो सीक्वेंसेस हुए थे वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो एक बार के लिए मूवी के कॉन्टेंट के लिए घातक भी है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ रिवील आउट हो जाएगा और एक प्रिडिक्शन लग जाएगा या फिर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई आखिर मूवी में मिलने क्या वाला है। रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मूवी की हाइप बन जाए, लेकिन भाई मूवी की हाइप कहीं नहीं बन रहे हैं। आई डोंट नो कि जो फैंस हैं अकीब आजी के और टाइगर श्रॉफ के, वो फैंस भाई जाने कहाँ सो रहे हैं। दूसरा यार, अगर चलो हाइप नहीं भी बन रही है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखो, कारण ये बहुत सिंपल सा कारण है कि अक्षय बाजी हमेशा क्या करते हैं कि साल में दर्जनों मूवी लेके आते हैं जिनमें से ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिल जाए, लेकिन वही चीज कि भाई साहब रोज आलू खाओगे या फिर रोज चिकन खाओगे तो वही घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब होता है, जिनमें से कुछ ना कुछ कॉन्टेंट ये दमदार लेके भी आते हैं लेकिन उनकी हाइप जो है बिल्कुल एवरेज ही रहती है, जैसी एवरेज वो स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं, तो ये एक पिटफॉल हो सकता है। दूसरा भाई, टाइगर श्रॉफ को उछल कूद करते सभी लोग देखते आ ही रहे हैं और अभी तक अभी जो रिसेंटली जो गणपत में उन्होंने जो उछल कूद बंदर नाच किया था उससे लोग काफ़ी खपा है, दैट्स वाई कि थोड़ा सा ट्रस्ट इशू यहाँ पर भी डिसबैलेंस होता आ रहा है नज़र उनका और उनके फैंस के बीच में। तो ऐसे इस मूवी की हाइप बनेगी या नहीं बनेगी वो तो 50-50% वाली बात है। चमत्कार सिर्फ एक ही हो सकता है, मतलब चमत्कार ही हो सकता है अगर इसकी मूवी की हाइप बनेगी, लेकिन अगर नहीं भी बनती है तो जब ये मूवी रिलीज होगी तब एक ही बात पर ये मूवी टिक सकती है, वर्ड ऑफ माउथ, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मिल गया तो भाई ठोंक जाएगी मूवी इजीली, 400 से 500 करोड़ के आसपास इजीली ठोंक के चले जाएगी, क्योंकि टीजर से प्रॉमिसिंग लगा, टीजर प्रॉमिसिंग था पर बहुत हद तक प्रॉमिसिंग नहीं था। लाइक अभी जो शैतान का ट्रेलर हमने देखा है भाई, वो रोंगटे खड़े करके गया है, गूज़बम्प्स देके गया है, तो वैसा वाला हाल फिलहाल टीजर में नहीं देखने को मिला था, दैट्स व्हाई कि वो उतना कनेक्टिविटी सेट नहीं करके गया। मूवी का बजट 350 करोड़ के आसपास है भाई, बहुत बड़ा बजट है, और अगर ये मूवी 500 करोड़ ना कमाई तो फिर क्या फ़ायदा इसका इतना ज़्यादा बजट खर्च करने का और इतने बड़े बड़े नाम जोड़ने का। बाकी ट्रेलर से भाई हाइप बन सकती है, जो पहला ट्रेलर ये लोग रिलीज करेंगे, यस 2 से 3 ट्रेलर यानी टीजर को मिलाकर अगर काउंट करें तो 2 से 3 ट्रेलर ऐसी बड़ी एक्शन मूवीज के निकालने चाहिए, क्योंकि टीजर से भाई एक्शन का तो प्रॉमिसिंग हमें मिल गया लेकिन मूवी में क्या कहानी मिलने वाली है उस पर प्रॉमिसिंग नहीं आ रहा है, उस पर ट्रस्ट फिलहाल जनता का नहीं है सेट कर रहे हैं। दूसरा, मूवी का ट्रस्ट चलो बन भी रहा है, जनता ट्रस्ट करना भी चाह रही है तो इस बेस पे कर रही है, क्योंकि विलेन जो है इसकी कास्ट जो है दमदार है। मेन विलेन पे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलने वाले हैं, विलेन से ट्रस्ट बनता है कि ये कितना नेगेटिव हो सकता है, कितना क्रूअल हो सकता है, क्योंकि टीजर में हमें सिर्फ एक लुक दिखाया गया जो बहुत ही दमदार लुक था, नो डायलॉग बाजी लेकिन वो लुक ही दमदार था उसकी क्रुएलिटी को डिफाइन करने के लिए, और ट्रेलर में उसकी क्रुएलिटी थोड़ी सी देखने को मिल गई तो ट्रस्ट बन जाएगा, तो हाइप सेट हो जाएगी। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में भाई सोनाक्षी सिन्हा भी देखने को मिलने वाली है, मानुषी छिल्लर, अलाया एफ, तो भाई ग्लैमर्स देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा, डायरेक्टर भी दमदार नाम जुड़ रहा है, अली अब्बास जफर, जिनके प्रीवियस कॉन्टेंट ही भाई प्रॉमिसिंग है एंड ट्रस्टेबल है। बाकी देखो ये मूवी कितना बिजनेस करती है, ट्रेलर हिट कर गया, लाइक शैतान का ट्रेलर जो हिट करके गया है इस टाइम पर, अगर वैसा हिट कर गया तो मूवी ईजली 1000 करोड़ ठोकने का दम रखती है, क्योंकि भाई अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, जिसमें एक्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी, सामने पृथ्वीराज सुकुमारन जैसा दमदार विलेन है जो फुल टक्कर देने वाला है इसको, मतलब जवान वाला सिनेरियो हो जाएगा, हीरो बॉलीवुड का और जो विलेन है हमारे साउथ का, तो कितना वेट है आप लोगों को भाई इस मूवी के लिए, और इससे जुड़ी और भी कुछ बातें आपको पता है तो जरूर हमारे साथ बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।